गार्डनिंग सोइल, जो गार्डनिंग में पुराने गमले में से जो मिट्टी निकाली है उसको रिचार्ज कैसे करें और एकदम बढ़िया मिट्टी बनाए कैसे और उसको दोबारा कैसे यूज़ करें, एकदम बढ़िया पेस्ट ट्रिक है। चलो मैं दिखाता हूँ। ये पुराने गमले में से मैंने ये देखो, ये मेरा एक फर्टिलाइज़र है जो किचन वेस्ट में बनाता हूँ, वही फर्टिलाइज़र है। और वो जो नीचे पथरे हुए वो हमारी सोइल है, मिट्टी है, वो पुराने गमले में से निकाली है और एकदम बढ़िया तैयार कर दी है मैंने। उसको धूप में रखी है रिचार्ज करने के लिए, तो रिचार्ज कर देते हैं, एकदम बढ़िया हो जाती है। उसको थोड़ी छान ली है, एकदम बढ़िया देखो कच्ची मिट्टी तैयार हुई है, एकदम सॉफ्ट रेडी हो जाएगी। गमले में कोई भी प्लांट डालो एकदम बढ़िया ग्रो होगा, मगर ये मिट्टी में थोड़ा फर्टिलाइज़र ऐड करना पड़ता है। क्या है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। देखो एकदम बढ़िया है ना, एकदम सॉफ्ट। उसको मैंने छान ली है और धूप में रखी है, धूप में थोड़ी चार्ज हो जाएगी, 2-3 दिन रखूँगा, एकदम बढ़िया थे। देखो एकदम सॉफ्ट रेडी हो गई है मिट्टी। मिट्टी पुराने गमले में से निकाले वो उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं एकदम इजी तरीके से। ये मिट्टी निकाली, उसके साथ थोड़ा वर्मी कंपोस्ट और जो उसके वो जो किचन वेस्ट का मैंने कंपोस्ट बनाया हुआ है, मेरा आगे एक वीडियो है किचन वेस्ट में कंपोस्ट कैसे बनाते हैं, वो भी बढ़िया है। और जो पत्तों का भी, सूखे पत्तों का भी कंपोस्ट मैंने एकदम बढ़िया बनाया हुआ है, एकदम बढ़िया सोइल है। देखो उसको रिचार्ज करके दोबारा गमले में इंस्टॉल कर देते हैं, एकदम बढ़िया रिजल्ट मिलतेला, रिज़ल्ट भी एकदम बढ़िया मिलता है। ये गार्डन सोइल, थोड़ा वर्मी कंपोस्ट और किचन वेस्ट का मैंने फर्टिलाइज़र बनाया, कंपोस्ट बनाया हुआ है वो भी, और उसका रिज़ल्ट कैसे मिलता है मैं दिखाता हूँ। रिज़ल्ट भी एकदम बढ़िया होता है। देखो ये मूली हमने इंस्टॉल किया हुआ गमले में, ये पालक है, वही ये सोइल है, वही होममेड, सब एकदम बढ़िया रेडी ग्रो हुआ है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। दूसरी नई गार्डनिंग टिप के साथ दोबारा मिलेंगे, तो चलो गुड बाय।